नमस्ते दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ले आई हूँ आपको बाहर, और ये देखिए सुबह मेरे गांव का नज़ारा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चिड़ियों की आवाज़ से मैं अभी आप सभी का वेलकम करती हूँ। और ये देखिए जो पीला वाला बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये उपस्वास्थ्य केंद्र है। और ये जो बड़ी सी जो आपको जगह दिख रही है, ये गोदाम है। इसमें मक्का धान वगैरह रखा जाता है। और इधर आप देख रहे होंगे पीली सी और एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो है आंगनबाड़ी, जो हमारे गांव के बिल्कुल मिडल में है। इस तरफ से कुछ घर वगैरह है और उस तरफ से भी कुछ घर वगैरह है फ्रेंड्स, और आंगनबाड़ी बिल्कुल मिडल में है। और इधर से देखिए मेन रोड जाने का रास्ता है, और आप लोग देख रहे होंगे वहां से गाड़ी जा रही है, वो मेन रोड है। और मेन रोड से मेरा घर थोड़ी ही दूर में है फ्रेंड्स यहाँ पर। और मैं आपको सुबह सुबह मेरा गांव दिखा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह गांव का ये नज़ारा। तो आप लोग इसे देख लीजिए। और इधर देखिए ये है मेरा घर। तो चलिए घर में चलते हैं। अभी मैं जाऊंगी अंदर और सुबह के काम को मैं कर दूंगी स्टार्ट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आंगन को झाड़ू लगाती हूँ, और मैं आंगन को झाड़ू लगा रही हूँ, और देखिए मेरे छोटे छोटे जो चिड़िया लोग हैं ना, वो आ गए हैं दाना चुगने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनको दाना मैं दूँगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं उनको दाना दूँगी फ्रेंड्स। और मेरे घर में ना 3 घोंसले हैं इनके, तो ये ना सुबह सुबह ही इतने ज़ोर से आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप सो ही नहीं पाओगे, और पता चल जाता है कि सुबह हो चुकी है और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो देख रहे होंगे आप आंगन में वो ढूंढ रहे हैं कि मैं कब उनको दाना दूंगी। तो मैं पहले यहाँ पे अच्छी तरह से आंगन को झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद मैं द्वार में पानी डाल दूँगी। और उसके बाद मैं उनके लिए दाना डाल दूंगी फ्रेंड्स। और देखिए आ गए हैं वो दाना चुगने के लिए। मैं अभी ब्रश वगैरह कर लूँगी, और ब्रश वगैरह करके मैं गई हूँ अंदर। और अभी मैं सबसे पहले बिस्तर को यहाँ पर ठीक कर लूँगी, और बस हमारे रूम के ही बिस्तर को मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि राशि और खुशी अभी तक नहीं उठे हैं, वो थोड़ा लेट से ही उठते हैं, और मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। और सर चले गए हैं जॉगिंग में, वो 5:30 बजे ही जॉगिंग में चले जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं भी उठ जाती हूँ। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं उनके साथ जॉगिंग में जाऊँ, लेकिन नहीं होता है। तो बस अब मैं घर के जो काम है उसे मैं कर लूँगी। सुबह के मैंने बिस्तर को यहाँ पर उठा लिया है, उसके बाद मैं पूरे घर की अच्छी तरह से झाड़ू कर लूँगी फ्रेंड्स। और मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो हर एक जो सामान रहता है ना, उसे भी मैं जगह में रख देती हूँ, जैसे बोतल है, किताबें है, और ईयरफोन रहता है, चार्जर रहता है इधर उधर पड़ा हुआ, और सोफ़ा वगैरह को भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो झाड़ू देने के लिए मुझे बहुत सा टाइम लगता है, हॉल रूम, बेडरूम, और फिर सारे सामान को भी मैं जगह में रखते रखते जाती हूँ। तो इस तरह से झाड़ू लगाने के लिए मुझे बहुत सा टाइम भी लग जाता है, और मैं साथ में कर ही लेती हूँ, तो क्या हो जाता है कि मेरा एक ही बार में हो जाता है फ्रेंड्स। और अभी है ना सुबह की सफाई वगैरह चल रही है, और झाड़ू मेरी अच्छी तरह से हो चुकी है, और अभी है पोछा मारने की बारी। तो मैं पोछा मार दूंगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा लाइजोल डाल दी हूँ, और साथ में मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि शैम्पू डालने से भी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है, तो मैंने थोड़ा सा शैम्पू भी डाल दिया है, तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स। और टाइल्स बिल्कुल चकाचक यहाँ पर साफ़ हो रही है, देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैं पोछा वगैरह कर दूँगी, और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा मेरा घर। और देखिए ये अभी हो चुका है, और बिल्कुल साफ़ हो गया है घर अभी। और अभी मैं जाऊंगी किचन रूम में। किचन रूम में भी 2 रूम है, तो उनको भी मैं पोछा कर दूंगी। और सारे रूम के मैंने फ़ैन्स वगैरह ऑन कर दिए हैं, तो जल्दी से अभी ये ना अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और अभी आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहा लूँगी।
आज मैंने बालों को वॉश किया है और इतने समय से ना मैंने इसको बांध के रख लिया था, तो अभी मैं इन्हें थोड़ा सा झाड़ लूँगी और इन्हें झाड़कर मैं थोड़ा सा सुखा लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी है ना सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मुझे नाश्ता बनाना है सबके लिए। बच्चों लोग भी अभी उठ गए हैं और सब ने ब्रश वगैरह भी यहाँ पे कर लिया है और सभी को अभी नाश्ता करना है, तो सब है ना मुझसे नाश्ते के लिए बोल रहे हैं। तो मैं जाऊँगी सीधा किचन में और बना लूँगी आज का नाश्ता। और आज के नाश्ते में बन रहा है आलू का पराठा। देखिए आलू को मैंने यहाँ पर उबाल लिया है और अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 प्याज बड़ा सा और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी फ्रेंड्स, और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैं यहाँ पे आटा को भी गूंद लूँगी और उसके बाद मैं पराठों को बना लूँगी। देखिए और खुशी मेरी यहाँ पर हेल्प करके दे रही है, वो कटिंग वगैरह मुझे करके दे रही है, क्योंकि ना सबको बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी है। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आलू का पराठा बना रही हूँ। देखिए तो सारे पराठों को ना मैं पहले बेल लूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इन्हें सेक लूँगी। और बस मैं यहाँ पर एक एक करके सेक रही थी और बच्चे लोग यहाँ पर खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सारे पराठों को मैं यहाँ पर सेक लूँगी और साथ में मैं यहाँ सबके लिए बना रही हूँ चाय फ्रेंड्स। तो सुबह का नाश्ता हमारा टेस्टी सा यहाँ बन रहा है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा मॉर्निंग ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे ब्लॉग में नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत सारा थैंक यू एंड बाय। Bye.